तरह इस बार भी SOL प्रशासन ने हमें मजबूर किया है कि अपनी मांगों को लेकर, अपनी डिमांड्स को लेकर, अपने कंसर्न्स को लेकर यहाँ पर हम मजबूर हुए हैं आज ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर अभी सेकेंड सेमेस्टर का 3 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है और बेशर्मी देखिए, बेशर्मी का आलम यह है कि जहाँ पर क्लासेस अप्रैल से चल रही थी रेगुलर में, जहाँ पर उन्हें अप्रैल से टाइम पे मटेरियल, टाइम पे क्लासेस, पूरा सिलेबस कवर करने का पूरा तैयारी की जा रही थी और दी जा रही थी, वहीं यहाँ पर ये बेशर्मी है कि जुलाई से, लगभग जुलाई से क्लासेस लगना शुरू। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि और करीब आ जाए, टाइम पे मटेरियल देना, टाइम पे रिजल्ट देना, छात्रों को बराबर समान शिक्षा देना, इसको नहीं याद रहता। आज हम किसी पैसे की मांग को लेकर यहाँ पर नहीं इकट्ठा हुए हैं, हम यहाँ पर कोई अय्याशी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम स्टूडेंट मजबूर हैं प्रशासन को याद दिलाने के लिए कि हम हर सेमेस्टर 2 बार फीस देते हैं, एक एग्जाम फीस और एक सेमेस्टर फीस, जिसका 10% भी हम पर खर्च नहीं होता है। शर्म करो, शर्म करो। आज पिछले सेमेस्टर की तरह इस बार भी हमारे साथ लगातार धोखा हो रहा है। 4 दिन बाद सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम है, लेकिन त्रासद ये है कि ना तो सिलेबस पूरा हुआ है, ना पूरी क्लासेस मिली है, और जो नामचीन जरा सी क्लासेस लगी भी है उसमें सबको जगह नहीं मिलती, और एग्जाम प्रिपरेशन लीव के नाम पे छात्रों को कुछ नहीं मिलता।